नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इसराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर भी हमले का दावा किया गया। इसराइल की सेना ने लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। गाजा पर इसराइल की सेना का ये बड़ा हमला कहा जा रहा है। हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर हमले का दावा किया गया है। IDF ने हमास के और भी कई ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने हमास के अलग अलग ठिकानों पर बम बरसाए हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर भी यहाँ बमों की बारिश की गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त युद्धभूमि से सामने आ रही है। एक तरफ इसराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। जिस दिन से युद्ध का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इसराइल की सेना। और इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास सीज फायर के लिए राजी हो गया है। इसके लिए 50 बंधकों को रिहा करने के लिए भी हमास तैयार है, लेकिन बदले में शर्त ये रख दी है कि इजरायली सेना 3 दिन हमला ना करे। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या सीज फायर के बहाने हमास सरेंडर की राह तलाशने की कोशिश में तो नहीं है, या फिर अगले 72 घंटे के बाद वो कोई खुफिया प्लान को अंजाम तो नहीं देने वाला। तीन घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे, क्या हमास का वजूद अब घंटों में समा गया है? क्या आधी रात को हमास के लड़ाके हथियार रख देंगे? क्या इजराइल की सेना के सामने हमास के लड़ाके घुटने टेकने वाले हैं? क्या गाजा में हमास के सरेंडर का काउंटडाउन शुरू हो गया? हमास के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को इजराइल की सेना ने घेर रखा है। इसराइल ने दावा किया है कि हमास को सरेंडर का मैसेज भेज दिया गया है। हमास के टॉप लीडर्स ईरान से हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं। हमास को ईरान से फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी पर अपना फुल कंट्रोल जमा लिया है। इसराइल ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंग में छुपे हैं और उन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर छापामार युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला। ये हमले तो बस वानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की गम चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना अगर हमास का खात्मा कर रही है तो बदले में हमास के छापामार दस्तों के निशाने पर भी आ रही है। और तो और, गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को भी हमास उड़ा रहा है। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप कर वार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ नहीं,
गाजा में घुसे इसराइल के टैंकों के साथ भी क्या हो रहा है उसे देख लीजिए। घर के पीछे से निशाना भरा जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडर की आड़ में हमास इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में है। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो एक दो महीने नहीं साल तक चल सकता है। सवाल है, हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? एक महीना, दो महीने, तीन महीने, छह महीने, आठ महीने या फिर पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है कि क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के हथियार हैं? क्या हमास एक साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोला बारूद है? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा लेते रहे? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हो। यही वजह है जो हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है कि क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है, कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमास के हमदर्दों का हौसला तोड़ने वाली है। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वह इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में भी इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना अंदर तक घुस चुकी है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अलशिफा अस्पताल, अलकुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दे रहा है। शुरुआत में गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया गया, या कहें कि गाजा को दो हिस्सों में काट दिया और फिर उत्तरी गाजा में दाखिल होकर अब हमास के गले तक पहुंच गई है। अलशिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। वहीं इसराइल की सेना का कहना है कि अस्पताल में पहुंचकर उसने हमास से सरेंडर की शर्त रखी है। इसराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इसराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इसराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है।
क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इसराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने यह तो नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि लंबे समय तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल की होगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की आशंका पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। इसराइल की सेना उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकाने को तबाह करना चाहती है। इसराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इसराइल ने बहुत ही फूल प्रूफ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। इस प्लान के कुछ फेज पूरे भी हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इसराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम देने में लगी है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इसराइल की सेना को उत्तरी गाजा पर धावा बोलना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इसराइल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को खत्म करना है, जिसे इसराइल की सेना अंजाम दे रही है। तीसरे स्टेप में इसराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इसराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी। पांचवा चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इसराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना हटाएगी, जिसके संकेत नेतन्याहू ने अपने बयान में दे दिया है कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा इसराइल अपने हाथ में लेने वाला है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इसराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, इसका फैसला गाजा की गलियों में छिड़ी इस जंग से होने वाला है।